तो मेरे भाई, सबसे पहले दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हम आप सबको क्या सिखाने वाले हैं। तो आज जो दिवाली की फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं वो सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि आज आपका भाई इस तरह का फोटो एडिटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाले हैं, वो भी सिर्फ 3 और 4 स्टेप में, बहुत ही कम टाइम और बहुत ही आसान तरीके से। यदि आप लोग इस तरह का एडिटिंग सीखना चाहते हो, स्किप नहीं करना जरा सा भी, वरना समझ नहीं पाओगे। यदि आप लोगों को एडिटिंग आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं बनाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिए। तो चलिए हम लोग पिकआर्ट खोलते हैं, पिकआर्ट को ओपन करके एडिट फोटो पे जाते हैं। एडिट फोटो जाने के बाद सबसे पहले बैकग्राउंड दिवाली वाला ले लेंगे, इसको क्रॉप कर लेते हैं, 3x4 पे क्रॉप कर लेना है। फिर टिल्ट पे जाना है, टिल्ट पे जाके -10 कर देना है, 15 कर देते हैं। फिर ऐड फोटो पे जाना है और अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर मॉडल को सिलेक्ट करके फिर इसको क्रॉप कर लेना है और रिमूव बैकग्राउंड कर देना है। तो जैसे हम रिमूव बैकग्राउंड कर दें वैसे आप लोग भी रिमूव बैकग्राउंड कर दीजिएगा। तो ऊपर से डन करते हैं। अब फिर क्रॉप पे जाना है, रिसाइज कर देना है। तो चलिए हम रिसाइज कर दिए हैं। रिसाइज करने के बाद हमारा इमेज का क्वालिटी कुछ बढ़ जाता है। तो चलिए हम PNG को ऐड करते हैं धीरे धीरे। यहाँ हैप्पी दिवाली वाला PNG को ऐड कर लेना है सबसे पहले, इसको बॉटम में ऊपर के साइड कर देना है। ब्लेंड पे जाना है, स्क्रीन कर देना है और ऊपर बॉटम पे एडजस्ट कर लेना है जैसे हम कर रहे हैं। तो इसी तरह आप लोग को भी कर लेना है। अब रॉकेट वाला PNG को ऐड करना है, इसको नीचे FX पे जाना है, ब्लर वाला ऑप्शन को यूज कर लेना है, ब्लर को 6 तक कर लेना है ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और इसको नीचे के साइड ड्रैग करके हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जब तक एडजस्ट कर लेते हैं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। और इसका हम डुप्लीकेट एक लेयर और बना देते हैं राइट साइड के लिए। तो चलिए हमारा यहाँ से डन हो गया है, यहाँ ऊपर से डन कर देते हैं। फिर से हम गैलरी ओपन करते हैं और ये लालटेन वाला PNG को ऐड करते हैं। लालटेन वाला PNG को ऐड करने के बाद हम लोग को हुए पे एडजस्ट पे जाना है। एडजस्ट पे जाने के बाद हुए को 100 कर देना, 100 तक कर देते हैं। चलिए हमारा यहाँ से एक और डुप्लीकेट लेयर लेना है। एक और डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं और इधर साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि आगे पीछे अच्छा लगे, देखने में लगे कि पीछे है हमारा लालटेन। फिर से हमको गैलरी में जाना है और PNG को सिलेक्ट कर स्मोक वाले PNG को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे ब्लेंड पे जाना है, स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद थोड़ा नीचे ड्रैग कर देना है जैसे कि हम करते हैं ड्रैग नीचे। अब ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है जैसे 80 तक। तो चलिए हमारा पिकआर्ट में फोटो बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं।
तो फाइनली हमारा यहाँ पिक कार्ड में सेव हो गया है। अब लाइट रूम ओपन करते हैं। लाइट रूम में फिर वही फोटो ओपन कर लेते हैं जो पिक कार्ड में एडिट किए थे। अब एडिट पे जाना है, एडिट पे जाके ऑटो कर देना है। तो देख सकते हैं ऑटो करने से तो अच्छा हो गया। अब कलर को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसका फेस का सेचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, जैसे देख रहे हैं। फिर रेड वाले ऑप्शन को सेचुरेशन को इंक्रीज करना है। सभी के सेचुरेशन को इंक्रीज कर दिएगा तो कि फोटो नाइट जैसा लगे, पूरा रात का है ऐसा लगना चाहिए, इसीलिए सेचुरेशन को इंक्रीज करना है। इसी तरह आप लोग भी सेचुरेशन को इंक्रीज कर लीजिएगा। तो यहाँ से डन करते हैं। अब आते हैं इफेक्ट पे। इफेक्ट पे जाने के बाद बिटनेट को -34 कर लेते हैं, 46 बिटनेट को -46 कर लेते हैं। शार्पनिंग को 32 तक कर लेते हैं। नॉइज़ को 22 पे कर लेते हैं और कलर नॉइज़ को 30 कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा फोटो बन के तैयार हो गया है। लाइट रूम में अभी इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा फोटो बन के तैयार हो गया है। तो रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।